हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी काउंसिल की 47वीं मीटिंग जो कि 28 तारीख और 29 तारीख यानी आज थी, उसकी हाइलाइट्स आ गई हैं, उसकी प्रेस रिलीज आ गई है, जिसमें कि सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे GSTR4 के संबंध में, क्योंकि GSTR4 से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या थी। तो आज हम लोग देखेंगे कि GSTR4 के संबंध में जो ये जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है, इसमें क्या डिसीजन लिए गए हैं और उन डिसीजन से हमें कितना फायदा होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे GSTR4 की ड्यू डेट की, जो कि एक्सटेंड की गई है। CMP 08, उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है। इसके साथ साथ नेगेटिव लायबिलिटी की भी बात की गई है और इसी के साथ साथ ई कॉमर्स ऑपरेटर के संबंध में भी बात की गई है। ये सारी बातें हम करेंगे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे सारी चीजें आपको क्लियर हो सके। आइए देखते हैं सबसे पहले मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलेशन इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर रिलैक्सेशन इन द प्रोविजंस फॉर सप्लायर्स मेकिंग सप्लाईज थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो जो लोग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपनी सप्लाई करते थे, उन लोगों को रजिस्ट्रेशन में जो लिमिट है उसकी छूट नहीं मिलती थी। उनको जैसे ही सप्लाई देनी है, उससे पहले उन्हें जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। अब उनके लिए ये सुविधा लेकर के आए हैं, वो है वेवर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24(9) ऑफ CGST एक्ट फॉर पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर्स सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस सच एज द एग्रीगेट टर्नओवर ऑन ऑल इंडिया बेसिस डट नॉट एक्सीड द टर्नओवर स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट एंड नोटिफिकेशन इश्यूड देयर अंडर द पर्सन इज नॉट मेकिंग एनी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई। यानी कि जो ई कॉमर्स ऑपरेटर था, उसके ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई दी जाती थी, उनके लिए ये मैंडेटरी था कि वो रजिस्ट्रेशन लें, उसके बाद ही गुड्स की सप्लाई दें। अब उसके लिए ये प्राविधान लेकर के आ रहे हैं और इसमें छूट दे रहे हैं, और इस छूट में ये भी ताकीद की जा रही है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर कंपोजिशन टैक्स पेयर के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, लेकिन वो इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करेंगे, केवल इंट्रा स्टेट सप्लाई करेंगे। कंपोजिशन टैक्स पेयर वुड बी अलाउड टू मेक इंट्रा स्टेट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस द डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी वर्क आउट बाय द लॉ कमेटी ऑफ द काउंसिल द स्कीम वुड बी टेंटेटिवली इंप्लीमेंटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2023 सब्जेक्ट टू प्रिपेयर्डनेस ऑन द पोर्टल एज वेल एज बाई ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। तो इसमें ये जो स्कीम आएगी, ये 1 जनवरी 2023 से आएगी और इसकी पहले तैयारी की जाएगी, पोर्टल पे भी तैयारी की जाएगी और ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए भी, लेकिन उससे पहले जो लॉ कमेटी है वो इस पर अपना डिसीजन देगी, उसके बाद ही ये लागू की जाएगी। तो एक ये बहुत अच्छा डिसीजन आने वाला है उन लोगों के लिए जो कंपोजिशन स्कीम के माध्यम से ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई देते थे। अब हम बात करते हैं अगले डिसीजन की जो इसमें लिया गया है, वो है वेवर ऑफ लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग फॉर्म GSTR4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 एंड एक्सटेंशन ऑफ ड्यू डेट फॉर फाइलिंग फॉर्म जीएसटी CMP 08 फॉर क्वार्टर फर्स्ट ऑफ 2022-23। तो यहां पर ये बात कर रहे हैं कि GSTR4 जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का है और CMP 08 जो कि 22-23 का फर्स्ट क्वार्टर है। The extend the waiver of late fee under section 47 for delay in filing form GSTR4 for financial year 2021-22 by approximately 4 more weeks, यानी अगले 4 हफ्ते की छूट आपको और दी जा रही है, यानी till 28 July 2022, यानी जो डेट बढ़ करके 30 जून तक की गई थी, अब ये 30 जून से भी बढ़ा करके 28 जुलाई 2022 तक की जा रही है। ये जरूर ध्यान रखें, 31 जुलाई तक नहीं जा रही है, केवल 4 हफ्ते के लिए बढ़ाई जा रही है, यानी 28 जुलाई 2022 तक के लिए।
ये एक्सटेंड की जा रही है। तो अगर आपने अभी भी अपना GSTR4 फाइल नहीं किया है तो अभी भी आप कर सकते हैं, इसके लिए समय आपको मिलेगा 28 जुलाई 2022 तक का। इसके बाद CMP 08 की भी डेट एक्सटेंड की गई है, उसमें ये क्या कह रहे हैं, टू एक्सटेंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म GST CMP 08 फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फ्रॉम 18 जुलाई 2022 टू 31 जुलाई 2022। जैसा कि आपको मालूम है कि CMP 08 की फर्स्ट क्वार्टर 2022-23 की जो ड्यू डेट थी वो अभी तक थी 18 जुलाई 2022, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 31 जुलाई 2022। यानी कि CMP 08 जो टैक्स आप जमा करते थे, CMP 08 फॉर्म फाइल करते थे, वो 18 जुलाई की जगह आप 31 जुलाई 2022 तक फाइल कर सकते हैं। GSTN has also been asked to expeditiously resolve the issue of negative balance in electronic cash ledger being faced by some of the composition taxpayers। अब बात आती है नेगेटिव कैश लेजर की, उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं, जो नेगेटिव बैलेंस है ये, इसके लिए GSTN से ये बात कह रहे हैं और उनसे ये कहा जा रहा है कि इस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाए, तेजी से रिजॉल्व किया जाए। जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है कि हमारा नेगेटिव कैश लेजर आ रहा है या नेगेटिव लायबिलिटी आ रही है, और ये समस्या उत्पन्न हुई है पोर्टल की वजह से, क्योंकि पोर्टल ने जो उनको समझ में आया उस हिसाब से उन्होंने किया, और इसके अलावा जो भी उन्होंने गाइडलाइंस या एडवाइजरी जारी की वो इतनी लेट जारी की, जिसकी वजह से जिन लोगों ने भी अपना GSTR4 फाइल किया है उन्होंने Table 6 का ध्यान नहीं रखा। अब उनके द्वारा जब गलती हो गई और गलती होने के बाद जब एडवाइजरी जारी की गई तो बहुत देर हो चुकी थी, और एडवाइजरी जारी करने के बाद आपने जो लोगों से मांगा था कि टिकट रेज करें और उसके बाद अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व करा लें, जिन लोगों ने टिकट रेज नहीं किया उन लोगों की प्रॉब्लम आपने ऑटोमेटिकली रिजॉल्व कर दी। अब उन लोगों के सामने समस्या हो गई कि अब वो क्या करें, अब उनसे दोबारा टैक्स मांगा जा रहा है और वो टैक्स केवल Table 6 की वजह से उत्पन्न हो रहा है। तो हालांकि यहां पर इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है, लेकिन आप उम्मीद करिए कि ये प्रॉब्लम कम से कम उनके सामने है और इस पर वो बहुत तेजी से काम करना चाहते हैं, और शायद इसीलिए इस डेट को भी एक्सटेंड किया गया है। इसलिए आप लोग अपनी प्रॉब्लम को फिर से दोबारा से टिकट रेज जरूर करें और उसमें अपनी पूरी प्रॉब्लम्स लिख करके उनको बताएं, जिससे ये जो GSTN इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने जा रहा है और उससे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है वो आपकी समस्या का समाधान कर सके। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि समय केवल 4 हफ्ते का मिला है, इसलिए आप तुरंत से तुरंत अपनी टिकट रेज करें, उनको प्रॉब्लम दोबारा से बताएं, जिससे GSTN इस पर काम प्रॉपर ढंग से कर सके। थैंक यू।